खीरो के बाद अब बारा में भी पीट पीट कर हत्या। ग्रामीणों द्वारा चक्का जाम किए जाने पर सक्षम अधिकारी मौके पर पहुंचे। खीरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्कूल से घर जा रहे छात्र की पीट पीट कर हत्या करने का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ था कि गुरुवार को बारा थाना क्षेत्र के सुंदरपुर गांव में चंद्रशेखर भारतीय 27 वर्षीय की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बताया गया है कि चंद्रशेखर खेत की ओर गया था, जहां उस पर लाठी डंडे से प्रहार किया गया। चंद्रशेखर ने सुंदरपुर चौराहे पर एक गुमटी रखी थी, उसे तोड़ दिया गया था। इसी वजह से दो पक्षों में तनाव व्याप्त था, जिसके बाद चंद्रशेखर की हत्या कर दी गई। मारपीट में चंद्रशेखर गंभीर रूप से घायल हुआ था। परिजन उसे अस्पताल ले जाकर इलाज करवा रहे थे, लेकिन इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 35 पर चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम की जानकारी मिलने पर स्थानीय पुलिस और पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। यमुनानगर में 48 घंटे में यह दूसरी घटना है। चंद्रशेखर भारतीय पुत्र ब्रजलाल भारतीय निवासी सुंदरपुर गांव के जितेंद्र सिंह पुत्र अक्षयलाल सिंह ने पुराना विवाद चल रहा था। घायल चंद्रशेखर को लेकर उसके पिता और परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया।